मैं हजरत उस दिन एक शादी पे था, मैंने कहा जी मैं ये तानू नहीं करन देना। वो कुछ शादी में मेरी पोजीशन भी इस तरह की थी कि वो मजबूर हो गए। मैंने कहा जी अगर आपने ये किया तो मैं चला जाऊँगा। नहीं हजरत साहब आपको मसला क्या है? मैं हजरत मुझे ये बताओ ये माहौल कुरान वाला है, किसके सर पे दुपट्टा है? ये जिसको तुम कुरान थमा रहे हो दासो तेरा वजू है? ए नहीं मैं कपड़े दे नाल फड़ना सी। खुदा का नाम लो यार, को करने वाली बातें करो। अव्वल से लेकर आखिर तक हजरत तुमने एक बात शादी में कुरान की नहीं मानी, वोटी कुरान थले डोरनी है हजरत। क्या उस वक्त कुरान अल्लाह की बारगाह में कहता या अल्लाह कैसे बदबख्त हैं ये? हुन हजरत जी राह जाते हैं साड़ी कुड़ी को बंदा वेखे ना तो भावें गोलियां चल जाने दो, लेकिन शादी भी हम पता क्या करते हैं बच्चियों को हजरत जी हम पकड़ा के ना फूलों वाली टोकरियां तो कहने लंघ दे जाओ तो वेख दे जाओ। बाद मैंने गलत तो नहीं की? गैरत मर जाती है सबकी हजरत शादियों। वैसे कोई हमारी लड़की को देख ले गोलियां चल जाए गैरत के नाम पर, और तेरी जरूरत किस तरह आई हमारी लड़की को देखनी? उस दिन हजरत फूल फड़ा के कहने लंघी जाओ तो वेखी जाओ। तब किसी को कुरान याद नहीं हो कुरान क्या कह रहा है हजरत जी? तब किसी को याद नहीं कुरान क्या कह रहा है? तब किसी को पता नहीं कि कुरान ने क्या कहा था? कुरान ने कब तुम्हें यह कहा था कि जवान लड़कियों को अपने हाथों में हजरत फूलों की प्लेटें पकड़ा के खड़ी कर दो ये मर्दों पर फूल फेंके? ये हूं कुरान याद आ गया वोटी चोरन लगे हैं। एक जुर्म है हजरत हमारा, हमारे जुर्मों की तो फहरिस्त इतनी लंबी है कि अल्लाह बस हमें माफ कर दे। हमारे जुर्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है हजरत कि अल्लाह हमें माफ कर दे। वहां डीजे भी बजा, वहां गाने भी बजे, वहां जब लड़के और लड़की की एंट्री हुई पूरा जनाब इंग्लिश माहौल बनाया गया, वोटी कुरान थले टोर नहीं। छोटी फहरिस्त है हमारे जुर्मों की। मैंने कहा हजरत जी जे तुम ए कुरान लिया इतने तो मैं चला जुट के, मैं तुम्हें ये नहीं कुरान की बेहरमती करने दूंगा। को माहौल कुरान वाला करो, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है, इनके लिबास चेक करो जरा, लगे हो कुरान लेके यहाँ हैं। कोई छोटी फहरिस्त है हमारे जुर्मों की हजरत जी, छोटी फहरिस्त है हमारे जुर्मों की। इकबाल ने सिर्फ हजरत जी मैं कहा करता हूँ बच सिर्फ इतों गए दे हैं। एक आवाज आती है वक्री गल है, सारे आवाज सुन कोई नहीं सकते हैं। आवाज की आती है तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है। एक आवाज आती है हर रोज तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारदा है। तो पूरे का पूरा मैरिज हालत रे जी गर्क हो जाए इधर जब वहाँ कुरान की इस तरह बेअदबी होती है। कुड़ियां दे सिर नंगे और जनाब वोटी कुरान, बल्कि वोटी दे सिर ते भी दुपट्टा भरा नाम ही होंगे। छोटी फहरिस्त है हमारे जुर्मों की पुत्र, खुदा दा वास्ता है खुदा दा। लेकिन मैं भी वो कहता हूँ हजरत जी जरूर बुल्ले शाह जान छुड़वा गए तो मौलवी सुलमान तेनों की लोड़े वेल ने जबान दे दी। हजरत बुल्ले शाह की कह के जान छुड़वा गए सच आखां ते पांबड़ बल दे। बुल्ले शाह जान छुड़वा गए सच आखां ते पांबड़ बल दे तेनों की लोड़ बान दे दी। हजरत असी भी आस्ता आस्ता इस माहौल का हिस्सा बनी जान दे, दिल बड़ा कुड़ता है। मुझे रोना मैं यार कुरान ने की लगे हो कर, ये है माहौल कुरान निकालने वाला? वो जिसको बेवजू तुम हाथ नहीं लगा सकते, जिसको देखना इबादत, जिसको छूना इबादत, ये है माहौल कुरान निकालने वाला? हूं समझ आती है तेरी तलाक क्यों हो रही है? है उस वक्त पता नहीं कुरान अल्लाह की बारगाह में क्यों क्यों कहता होगा। नहीं हजरत ये आया तो हमें रब से मिलाने था, लेकिन रह गया सिर्फ वोटियाँ टोरन ले, रह गया सिर्फ तरावियाँ ले, रह गया सिर्फ शबीने ले, रह गया सिर्फ दम ले, रह गया सिर्फ तवीज़ ले, रह गया हजरत जी कचहरियाँ चाथ रख के चूटियाँ कसम खान ले। हजरत जी आया तो ये रब से मिलाने था, हजरत जी आया तो रब से मिलाने था। उम्मत ने कुरान छोड़ दिया, ना प्यो खोलता है ना माँ खोल दी है, ना पुत्र खोलता है ना ती खोल दी है, तो फिर यही हालात पैदा होंगे फिर क्या होंगे? लेकिन हजरत जी आपको वो जो बैठे हैं ना घंटा घंटा टॉक शो वाले, वो आपको ये नहीं बताएंगे, वो यही कहेंगे ओने कीता ओने कीता। लेकिन असल बात वही है जो कुरान कह रहा है वमन और अदान जिक्री फैन लहू मही शतन धन का
और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा।